सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी का। आई होप सभी बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़िया रहना यार। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। और गाइस अगर आज आप लोग बढ़िया नहीं भी हो गए ना, तो ये वीडियो देखने के बाद पक्का बढ़िया होने वाले हो। तुम लोग खुशी से नाचने वाले हो। ये क्या बात करता है यार। क्योंकि गाइस फाइनली आप लोगों के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है कि हमारी जो फ्री फायर है वो फाइनली अब अनबैन होने वाली है, बहुत ही जल्दी इंडिया में रिटर्न करने वाली है। साथ ही साथ जो हमारे ई स्पोर्ट्स है यार, वो भी फ्री फायर का बहुत जल्दी वापस आने वाला है। मैं नहीं मानता। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यार पूरे प्रूफ्स तुम्हें दिखाने वाली हूँ, तुम्हें पक्का यकीन हो ही जाएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना यार, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो गाइस ये बात बता दूं कि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी इधर उधर होगी एडिटिंग, तो एडजस्ट कर लेना। बाकी यार यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा प्रूफ ये निकल के आया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर यार हमारी जो फ्री फायर है गरीना कंपनी, उनके कुछ मतलब मेंबर्स आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ ना मीटिंग करी है, जिसकी तुम लोग ऑफिशियल फोटोज भी बैकग्राउंड में देख सकते हो। एंड इस वाली मीटिंग के अंदर यार हमारे जो मतलब मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के वो भी, साथ ही साथ हमारे जो खेल मंत्री है उत्तर प्रदेश के वो भी शामिल थे। और साथ ही साथ तुम लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, क्लियर लिखा गया है कि गरीना कंपनी के साथ ये मीटिंग हुई है। एंड ये जो मीटिंग हुई है खास तौर पे ई स्पोर्ट्स को लेके हुई है कि ई स्पोर्ट्स को कैसे मतलब इंडिया के अंदर और ज्यादा डेवलप किया जाए, कैसे ई स्पोर्ट्स को वापस लाया जाए। तो इस बारे में यार ये मीटिंग हुई है गरीना कंपनी की, मतलब गरीना की टीम की जो सिंगापुर से आई थी उनकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ, जो कि यार तुम लोग सारी फोटोज बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। तो ये सच में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इतनी खुशी क्योंकि यार तुम लोग जानती हो कि जब से इंडिया के अंदर फ्री फायर बैन हुई है, तब से यार फ्री फायर का कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट देखने को मिला ही नहीं है। मतलब यार सालों ही हो गए जब से कोई फ्री फायर का टूर्नामेंट देखने को मिला ही नहीं, और जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी गरीना मतलब इंडिया की टीम ही नहीं होती कोई। लेकिन अब फाइनली यार ईस्पोर्ट्स वापस आने वाली है फ्री फायर के, एंड ईस्पोर्ट्स वापस आ रही है तो यार पक्का फ्री फायर भी वापस आएगी, ये भी कंफर्म ही है। और साथ ही साथ तुम्हें अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम लोग मतलब इंटरव्यू की जो क्लिप है वो भी देख सकते हो। एंड ये जो क्लिप है इसका पूरा क्रेडिट जाता है डिवाइडेड गेमर, उनके चैनल की लिंक मैंने नीचे दे दिया, जाकर चेकआउट कर लेना, क्रेडिट गोज टू हिम। तो अब तुम लोग ये क्लिप देख लो। का आगाज हो रहा है और प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का न केवल सेंटर बनेंगे बल्कि ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। इसके लिए आज सिंगापुर की एक कंपनी गैरीना है, उसके साथ आज प्रदेश सरकार का अनुबंध हुआ है। ये गैरीना कंपनी योटो डेटा सेंटर्स के साथ, जो कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उन्होंने अपना डेटा सेंटर बना लिया है, स्थापित कर लिया है, और देश का पहला इतना बड़ा डेटा सेंटर था जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिसका उद्घाटन किया था। उस डेटा सेंटर में ये अपना ये कंपनी, उन्होंने उनके साथ भी आज कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर में ई स्पोर्ट्स की सुविधाएं देंगे, ई स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, ई स्पोर्ट्स का सेंटर बनाएंगे, जहाँ जिसके माध्यम से देश में प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो रहा होगा। आप जैसे जानते हैं कि जो फिज़िकल गेम्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के जो खेल हैं उनका भी अभी बहुत अच्छा भविष्य आगे आ रहा है। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुना, उन्होंने क्लियर यार गरीना का नाम लिया है यहाँ पर, तो यार बहुत ही जल्दी आप लोगों को ई स्पोर्ट्स से प्लस हमारी जो फ्री फायर है वो कमबैक देखने को मिलेगी। एंड मुझे तो लगता है कि इसी साल ही आप लोगों को फ्री फायर भी रिटर्न देखने को मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। मैं तो सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ इस न्यूज से, आप लोग बताना आप लोग कितने ज्यादा खुश हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी न्यूज आई है कि यहाँ पर फ्री फायर के जो मॉडरेटर्स है वो भी चेंज होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे इंडिया के साथ यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप एंड आप लोग नाम पढ़ सकते हो, 5 सर्वर्स है जो कि मर्ज किए जाएंगे, ये 5 सर्वर्स एक हो जाएंगे। सो ये वाला सिस्टम भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एज वेरिफिकेशन वगैरह भी गरीना फ्री फायर में डाला गया, तो ये सब गवर्नमेंट के ही रूल्स की वजह से हो रहा है। तो यार जल्दी आप लोगों को फ्री फायर अनबैन देखने को मिलेगी, एंड जहां तक मुझे लगता है किसी साल ही शायद हमारी गेम वापस आ जाएगी। बाकी आप लोग बताना कितने खुश हो आप लोग इस न्यूज से, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। एंड बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन है प्यार भरे हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।